वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा 6 अगस्त को आयोजित होने वाले बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की तथा परीक्षा को सुचिता पूर्वक संपन्न कराने के निर्देश दिए। गोरखपुर NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, SSP दिनेश कुमार P, ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, SP ट्रैफिक राम सेवक गौतम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 6 अगस्त को जनपद के 49 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें 21,559 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इस मौके पर डिप्टी CM डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि बीएड प्रवेश परीक्षा को कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन करते हुए नकल विहीन और CC कैमरे की निगरानी में कराया जाए। परीक्षा शांति व सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए हर परीक्षा केंद्रों पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं तथा ट्रैफिक की व्यवस्था बेहतर रखी जाए, जिससे परीक्षार्थियों सहित अन्य लोगों को कोई दिक्कत न उठानी पड़े। लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रत्येक यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को आपके जनपद का नोडल अधिकारी बनाया हुआ है। हो सकता है आपके जनपद में एंड कोऑर्डिनेटर समन्वयक वो भी तैनात किए गए हैं। तो ये परीक्षा का जो मोटा मोटा खाका है वो इस प्रकार रहेगा। अगर आपने शुरू की हो उसके लिए एक नगर प्रभारी तैनात करेंगे जो ADM या सिटी मजिस्ट्रेट लेवल से कम नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि दो केंद्रों पर एग्जामिनेशन सेंटर पर एक केंद्र प्रतिनिधि बनाया जाना है, वो आपके द्वारा बनाया जाएगा। सभी जिलाधिकारियों से मैं अपेक्षा करूँगा कि आपने अब तक ये कार्य पूरा कर दिया होगा। यदि नहीं किया हो तो कृपया इसको आज ही सुनिश्चित कर लें ताकि ये सभी केंद्र प्रभारी अपने अपने केंद्र का निरीक्षण कर लें और देख लें कि वहाँ पर सभी व्यवस्थाएँ दुरुस्त है या नहीं। प्रत्येक सेंटर के लिए, एग्जामिनेशन सेंटर के लिए एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती करनी है। ये भी आपके स्तर से कोई कोई राजपत्रित अधिकारी यथासंभव राजपत्रित अधिकारी आप करिए, क्योंकि कुछ जिलों में हो सकता है 90 एक जिले में मोर देन 100 सेंटर्स भी हैं। तो अगर अधिकारी नहीं हो तो फिर आपका अपना विवेक है, पर जिम्मेदार अधिकारी की तैनाती आप स्टैटिक मजिस्ट्रेट के रूप में करेंगे। परीक्षा केंद्र के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से फिर रिपीट करूँगा, प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए दो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। ये ऑब्जर्वर्स आपके जिले में आज या कल डेफिनेटली वहाँ तक पहुँच जाएंगे। इनका जो दायित्व है इनको प्रॉपरली ट्रेन किया गया है, 3-4 दौर की ट्रेनिंग हुई है लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा कराई गई है। इनको क्या करना है क्या नहीं करना वो सारे निर्देश पहले से अच्छी तरीके से बता दिए गए हैं। क्वेश्चन पेपर आप जानते हैं कि 4 तारीख की देर रात को या 5 तारीख के प्रातःकाल हमारी जो व्यवस्था है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन पेपर आपके पास में पहुंचेगा। इस समय पूरे प्रदेश में बारिश का काफ़ी दौर चल रहा है, तो कृपया ये देख लें आप कहीं पर कोई भी हमारा वाहन कहीं फंसे ना पाए। ऐसा ना हो कि उसके कारण रास्ते में कोई दिक्कत होने के कारण या फ्लड प्रोन कोई रास्ता हो जहाँ से आप गुजरते हो, नेट से बहराज जाते हो या गोंडा जाते हो, रास्ते में पानी आ रहा हो, ये व्यवस्थाएं भी आप लोगों को अपने अपने जनपदों में सुनिश्चित करना है कि क्वेश्चन पेपर सामग्री आप तक टाइम पे पहुँच जाए और उसको आपको गवर्नमेंट ट्रेजरी में सुरक्षित रखवाना है। इसके लिए भी हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, यहाँ तक कि जो क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी और DIOS को भी इससे जोड़ा गया है और आपके अपने जो नामित अधिकारी हैं नगर प्रभारी वो उनकी देखरेख में इसे ट्रेजरी में सुरक्षित रखना है। सर, इस परीक्षा को 2 सत्र में आयोजित किया जाना है, इस तरह से 2 सत्रों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी ने पूरी तैयारी कर ली है। मैं इसको हर एक जनपद में परीक्षा आयोजित हो रही है, वाराणसी को सर नहीं सर पूरा ऐसा प्रयास किया गया है
सर, इसमें ये प्रयास ये किया गया है कि गवर्नमेंट की बिल्डिंग, गवर्नमेंट की संस्था में ही परीक्षा केंद्र बनाए जाए और ज्यादा से ज्यादा हो तो एडेड होना चाहिए गवर्नमेंट के। मैं बस एक चीज चाह रहा हूँ, किसी भी जिले में दागी केंद्र नहीं होगा। मेरी अभी यूपीएसटीएफ के एडीजी से बात हुई है, उन्होंने ये चाहा है पर दागी केंद्र बनाए थे और जिलाधिकारी ने कहा हमें जानकारी नहीं। तो ऐसे में जो है, मैं जनपदों का नाम भी ले सकता हूँ, आप प्रत्येक दशा में आज चिट्ठी भेज दीजिए और कॉपी हमें कर दीजिए और एडीजीएसटीएफ को कर दीजिए और शाम तक रात तक प्रत्येक दशा में हर चिट्ठी आ जानी चाहिए। उनके जमीन में एक भी दागी केंद्र नहीं, अगर कोई दागी केंद्र निकल आता उसको बदल पाएंगे नहीं बदल पाएंगे, कैसे क्या करेंगे ये भी आप, क्योंकि अगर दागी केंद्र पर आप कोई भी काम करेंगे तो पेपर खोलने की संभावना रहे और आप चाहे भी कर लीजिए वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर। सर मैं आपको अवगत करना चाहूंगा कि पंचायत केंद्रों के निर्धारण में जिलाधिकारियों का सक्रिय दस्तखत का मैं बहुत आई नॉट श्योर निर्धारण होना है और फिर चीफ सेक्रेटरी साहब के दस्तखत से 28 जुलाई का जीओ है जो हमारा मेन जीओ है जा चुका है। आज अपनी और बड़ी अच्छे तरीके से कराया, कहीं से हमें नकल की कोई शिकायत नहीं मिली। एकदम शुचिता पूर्ण परीक्षा पिछले साल आप लोगों ने संपन्न कराई, इस साल और भी थोड़ा केंद्रों की संख्या बढ़ी, 1000 से बढ़ के ये 1476 केंद्र हो गए हैं। तो और आप सबने पिछले साल की तरह ही गवर्नमेंट कॉलेजेस में या एडेड कॉलेजेस में ही केंद्र बनाए हैं, लेकिन जैसा अभी होम सेक्रेटरी साहब ने कहा, इसे होम साहब ने कहा, ये बहुत ज़रूरी है कि एक बार फिर से आप उनकी पुनः जांच कर लें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि नकल विहीन परीक्षा होनी है। तो नकल विहीन परीक्षा के लिए ज़रूरी होगा कि मैं अनुरोध करूँगी कि अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट से और केंद्र प्रभारी से आप निर्देश दे दीजिए कि वो आज ही अपने हर केंद्र का भ्रमण कर लें और उसकी ये देख लें कि उसकी कोई कोई दागी हिस्ट्री तो नहीं रही, उसका कोई इतिहास तो खराब नहीं रहा, और उसको कृपया आप आज हमें सर्टिफाई करके भेजें। सात लाख लोग बैठने वाले सबको लागू हुआ, चाहे डीएस हो चाहे कमिश्नर हो चाहे डीएम हो, ये सारे परीक्षाओं के संदर्भ में ही आप व्यवस्थाओं को मानिएगा। ठीक है सर, इसमें कमिश्नर कर दी तो शाम तक रिपोर्ट भेज दीजिए। और बाकी हमारे यहाँ मंडल में सर 84 सेंटर्स हैं और लगभग 35,300 जो है परीक्षार्थी है। हम सुनिए कमिश्नर साहब, अभी सर सभी अपने डीएम से बात कर लीजिए और डीएम सब अवेलेबल है, गोरखपुर डीएम। यस सर, डीएम गोरखपुर। यस सर, सर बताओ विजय सर, सभी सभी सेंटर्स की पहले से एसडीएम से चेकिंग कराई गई है, जैसे आपने निर्देश किया वैसे कराई है, मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट और ब्रीफिंग हो गया सर, इरेजुलेशन। यस सर, शुरुआत में तो प्रॉब्लम नहीं आती, जब खुलता है एग्जाम, यस सर, यानी एग्जाम खत्म होता है तब भीड़ इकट्ठा होती है। यस सर, तो उसमें स्टेजेस में छोड़िएगा सर, ऐसा ना हो कि सब क्लासरूम एक साथ छूट जाए, वही दिक्कत आती है। पिछली बार जब भी कराया गया है आपके एग्जाम खत्म होने पर जो है फोटोग्राफ आई अखबारों में, नहीं पता है कोविड का कोई प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। सर मजिस्ट्रेट पुलिस की बैठक लेके आज इसके बारे में ब्रीफ कर देंगे सर, इस बिंदु पे ब्रीफ कर देंगे। लखनऊ डीएम लखनऊ।